यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और विदेश में भगवान का अपमान और क्यों बर्दाश्त करें हिंदुस्तान, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको एक बता दें, लीना पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। काली के अपमान पर जी मीडिया का सवाल, जी मीडिया के सवाल पर सरकार का जवाब, ऐतराज के बाद कनाडा सरकार ने कार्रवाई की है और ये कहा है एमईए ने, और विरोध के बाद कार्यक्रम रद्द हुआ है। कनाडा में लीना की फिल्म काली पर उठे सवालों पर भारत सरकार क्या सोच रही है, इस बारे में जी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सीधा सवाल पूछा। हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजर्स वहां पे जो है, दो ऑर्गेनाइजर्स दोनों ने स्टेटमेंट जारी की थी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। उसके अलावा अभी मेरे पास और कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। FIRs की बात वो डोमेस्टिक है, उसमें फॉरेन पॉलिसी कोई का मुद्दा इमीडिएट नहीं है, तो मैं उसमें नहीं कमेंट करना चाहूँगा। पर कनाडा के संदर्भ में उन्होंने ये जो स्टेट हमारे, हमने ये इशू कैनेडियन अथॉरिटीज से भी हमने कहा था कि इसमें आप ऐसे प्रोवोकेटिव मटेरियल को कुछ एक्शन लें, और दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है, और वहाँ पर आई थिंक वो हटा भी दिया गया है और वो स्क्रीन नहीं हो रहा है। कीर्तिनिधि पांडे जी, सुना आपने, यहां पर भारत सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, भारत की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसके लिए विदेश मंत्रालय को साधुवाद कि उन्होंने पहल किया और इस पे कार्रवाई करने का प्रयास किया। साथ ही एक दो सवाल और है अनुज जी। जी मनोज जी हैं, फिल्म निर्देशक हैं। जी मनोज जी ने कहा कि छोटी छोटी फिल्मों को सेंसर में नहीं रखा जाता। जी मैं कह रहा हूं कि लगातार इस तरीके के विवाद देश के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, और ये कोई पहला विवाद नहीं है। हाँ। इससे पहले भी कई फिल्मों में इस तरीके के प्रकरण आए हैं। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं भारत की सरकार को एक पहल और करनी चाहिए, छोटी फिल्में हो या बड़ी फिल्में हो, फिल्मों को सेंसर के दायरे में लाना चाहिए, उससे गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कोई समाज में, कोई ऐसी पिक्चर ना बनाए जिससे गलत मैसेज जाए। या बिल्कुल, या अलग